नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम मेकर न्यूज चैनल सच का साथ। इस खबर अयोध्या उत्तर प्रदेश से आ रही है। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद बता दें कि जश्न के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्यौहार। देखिए मैं पी रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह 10 बजे जुलूस निकाल करके यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात किए थे और जगह जगह पुलिस बल तैनात थे। सर के प्रमुख चौराहे होते हुए जुलूस मोमबत्ती निकाला गया। इस पर्व में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लोगों को देखा गया। साथ ही साथ लोगों ने आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए एकता और अखंडता बनाए रखने की लोगों से अपील की। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर अंजुमनों ने बात नाथ खुवानी व सरकार की आमद पर नारेबाजी किया। मुस्लिमों के इस पाक पर्व पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य समुदाय द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को भोजन के साथ साथ पानी और बच्चों की टॉफी, बिस्कुट, आइसक्रीम और चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं। मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं शुएब वासी राजू जुलूसे मोहम्मदी में आए हुए सभी हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जुलूसे मोहम्मदी आज हम लोग इसलिए मना रहे हैं, सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदके में हम लोगों को दो जहां मिला, ये दुनिया मिली, सब कुछ मिला, आज उनकी आमद है, इसलिए आज उनका हम लोग मिलाद मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मुबारकबादी पेश करते हैं और ये हम उन्हें कहते हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हर हाल में अमल करें। उनकी बहुत सारी तालीमात हैं, सबसे बड़ी तालीम यह है उनकी कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के बंदे की खिदमत करो, मोहब्बत फैलाओ, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि जानवर के साथ भी मोहब्बत करो, बल्कि ये फरमाया है कि एक हरे भरे दरख्तों को भी ना काटो, इसलिए कि ये दरख्त जब तक ज़िंदा रहेंगे, कायम रहेंगे, तुम्हें अमन सुकून और तुम्हें फलाह सलाह कामयाबी रहेगी। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे नबी ने ना ये कि सिर्फ इंसान के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी, दरख्तों के साथ भी हमदर्दी का जज्बा गौर करने का हुक्म दिया। इसलिए अल्लाह ने नबी को फरमाया है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उनकी पैदाइश के मौके पर हम सारे अपने बेगाने दोस्त अहबाब सबको आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, जो कि लोगों में बड़े खुशियों मनाते हैं। आज के टाइम में लंगर भंड वो आपके लंगर रसूल और चाय पानी जगह जगह पे स्टॉल लगे हैं, इसके हो रहा है और काफ़ी उत्साह दिख रही है पब्लिक में कि दो साल के बाद मनाया जा रहा है कोविड के बाद। तो आप देखें कितनी उत्साह है लोगों में। ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार है ये आज मनाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है और पुलिस के सभी अधिकारीगण, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और सादे वस्त्रों में महिला पुलिस बल लगा हुआ है। मोबाइल पार्टियां हैं, वो अपना पेट्रोलिंग कर रही हैं पूरी सकुशल, और त्यौहार जो है संपन्न कराया जा रहा है। ठीक है।